अरे बेचकर लोग है जो दुकान पर खोले बताइए क्या मतलब हो क्या रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए नए कपड़े, नए नए कपड़े कहाँ से आ गए? ये जो मेरे पतिदेव जी है वो पता नहीं किसी दुकान को लूट के आए तो मुझे कपड़े देते जा रहे हैं, मैं फैशन शो की तरह पहन के निकलती जा रही हूँ निकलती जा रही हूँ। तो करण अचानक से कहाँ से आइडिया है और कौन सी दुकान लूट ली आपने अपनी साक्षी के लिए? सर यहाँ मुझे लगा साक्षी हमेशा कुछ ऐसे ड्रेस में नजर आती है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, और वैसे तो आज के जमाने की लड़की है, तो लेट्स ट्राई कि उसे कुछ हैपनिंग कपड़े देके देखता हूँ तो, और शायद उससे मेरे दिल का प्यार जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन इस प्यार में भी हम देख रहे हैं रोड़ा आ गया, मतलब प्यार सफल हो ही नहीं पाता आप लोग का कभी। मैं कभी आई लव यू टू बोल ही नहीं पाती, आई मिस यू टू बोल ही नहीं पाती ये सुनने के लिए बेचारा करण हमेशा तरसता रहता है, और आज भी ऐसा कुछ हो गया कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि साक्षी बोल दे, बट नहीं। ये बात समझ नहीं आई कि उस दिन तो इतना कुछ हो गया बट फिर यहाँ दोबारा से उस दिन किस होने के बावजूद अब ये कौन सा आई लव यू ने बोला ना, वो तो कुछ हो गया, अजीब सा हो गया, समझ भी नहीं आया। ब्रेकअप पार्टी थी वो, तो ब्रेकअप का कुछ था, बट अभी तक इसने आई लव यू नहीं बोला, तो फर्स्ट टाइम वो आई लव यू बोलने वाला है, और वो कैसे बोलेगा उसके लिए बहुत कुछ सोचा उसने, समझ नहीं आ रहा था, फिर समथिंग कुछ उसने ट्राई किया है, और लेट्स सी।